तहसील नरवर को आज कौन नहीं जानता है। वहाँ का प्रसिद्ध किला देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। नरवर को तांत्रिकों का गढ़ भी कहा जाता था, लेकिन आज हम आपको तांत्रिक नहीं बल्कि एक प्रेम गाथा सुनाने वाले हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नरवर के किले में कवि दुगला, जो हमारी कहानी का प्रमुख हीरो है, रहता था, जो नरवर के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में दुगला व साल कुमार के नाम से जाना जाता है। दुगला का बालपन में जांगलू देश यानी बीकानेर की पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पमार राजा पिंगल की पुत्री मारवाड़ी के साथ हुआ था। उस वक्त दुगला की उम्र लगभग 3 वर्ष और मारवाड़ी यानी मारू की मात्र 1.5 वर्ष की उम्र थी। इसलिए शादी के बाद मारवाड़ी को दुगला के साथ नरवर नहीं भेजा गया। बड़े होने पर दुगला की एक और शादी मालवाड़ी के साथ हो गई। बचपन में हुई शादी के बारे में दुगला भी लगभग भूल चुका था। उधर जब मारवाड़ी बड़ी हुई तो माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए दुगला को नरवर कई संदेश भेजे। दुगला की दूसरी रानी मालवाड़ी को दुगला की पहली शादी का मालूम होने के कारण उसे यह भी पता चल गया था कि मालवाड़ी जैसे बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं, सो उसने ईर्ष्यावश चलते राजा पिंगल द्वारा भेजा कोई भी संदेश दुगला तक पहुँचने ही नहीं दिया। वह संदेश बाघों को दुगला तक पहुँचने से पहले ही समाप्त कर देती थी। एक दिन मारू को स्वप्न में अपने प्रियतम दुगला के दर्शन हुए। उसके बाद मारवाड़ी को ना खाने में रुचि रही ना किसी और कारण। उसकी हालत देख उसकी मां ने राजा पिंगल से दुगला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा संदेश बाघ को तो मालवाड़ी मरवा डालती है, इसलिए इस बार क्यों न किसी चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए जो गाने के बहाने दुगला तक संदेश पहुंचा दे। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था तब मारवाड़ी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बना कर दिए और समझाया कि कैसे दुगला के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। ढोली ने मारवाड़ी को वचन दिया कि वह जीता रहा तो दुगला को जरूर लेकर आएगा और मर गया तो वहीं का होकर रह जाएगा। चतुर ढोली याचक बनकर किसी तरह नरवर में दुगला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया और रात होते ही उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। उस रात बादल छा रहे थे, अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थी, धीमी धीमी वर्षा हो रही थी और फव्वारों के शांत वातावरण। ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में ढोली की मल्हार राग का मधुर संगीत ढोला के कानों में गूंजने लगा। तब ढोली ने साफ शब्दों में गाया, ढोला नरवर शेरिया धड़ पुंगल गले हाय। गीत में पुंगल व मारवाड़ी का नाम सुनते ही ढोला चौंका और उसने बालपन में हुई शादी की याद ताजा हो गई। ढोली ने तो मल्हार व मारू राग मारवाड़ी के रूप का वर्णन ऐसे किया जैसे पुस्तक खोलकर सामने कर दी हो। ढोली पूरी रात गाता रहा। सुबह ढोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुंगल से लाया मारवाड़ी का पूरा संदेश सुनाते हुए बताया कि कैसे मारवाड़ी आपके इंतजार में बैठी है। आखिर ढोला ने मारवाड़ी को लाने हेतु पुंगल जाने का निश्चय किया पर मारवाड़ी ने उसे रोक दिया। ढोला ने कई बहाने बनाए पर मालवाड़ी उसे किसी तरह रोक देती। एक दिन ढोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मारवाड़ी को लेने चल ही दिया और पुंगल पहुंच गया। मारवाड़ी ढोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए और एक दिन ढोला ने मारवाड़ी को अपने साथ ऊंट पर बैठा नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। कहते हैं राजस्थान में मारुवड़ी को सांप ने काट खाया और उससे पार्वती ने आकर मारुवड़ी को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़ने पर ढोला उमर सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। उमर सुमरा ढोला को घात से मारकर मारुवड़ी को घसल करना चाहता था, तो वह उसके रास्ते में महफिल जमा कर बैठ गया। ढोला जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनुहार की और ढोला को रोक लिया। ढोला ने मारवाड़ी ऊंट पर बैठे रहने दिया। उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान दाढ़ी यानी ढोली की पत्नी को था, वह पुंगल की बेटी थी, सो उसने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में मारुवाड़ी को बता दिया। मारुवाड़ी ने ऊंट की एक एड़ मारी। ऊंट भागने लगा तो उसने रोकने के लिए ढोला दौड़ा। पास आते ही मारवाड़ी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो। और ढोला उछलकर ऊंट पर चढ़ गया। उमर सुमरा ने घोड़े पर बैठ पीछा किया पर ढोला का भय काला अंगूर उसके कहां हाथ लगने वाला था। ढोला मारवाड़ी को लेकर नरवर पहुंच गया और उमर सुमरा हाथ मलता रह गया। नरवर पहुंचकर चतुर ढोला चौक का समाधान भी करता है। मारवाड़ी व मालवाड़ी के साथ आनंद से रहने लगा। इसी ढोला का पुत्र लक्ष्मण हुआ। लक्ष्मण का भानु और भानु का पुत्र परम प्रतापी बजदामा हुआ, जिसने अपने वंश का खोया राज ग्वालियर पुनः जीतकर कछवा राज लक्ष्मी का उद्धार किया। आगे चलकर इसी वंश का एक राजकुमार दूल्हे राय राजस्थान आया, जिसने माची भंडेरे खोए
झोटवाड़ा आदि के मीणों को मारकर अपना राज स्थापित किया। उसके बाद उसके पुत्र ककिल देव ने मीणों को परास्त कर आमेर पर अपना राज्य स्थापित किया, जो देश की आजादी तक उसके वंशजों के पास रहा। यही नहीं, इसके वंशजों में स्वर्गीय बैरोज सिंह जी शेखावत इस देश के उपराष्ट्रपति बने। इसी वंश के श्री देवी सिंह शेखावत की धर्म पत्नी श्रीमती प्रतिभा पाटिल आज इस देश की महामहिम राष्ट्रपति है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।